शनिवार को यूथ कांग्रेस करसोग व एनएसयूआई इकाई करसोग द्वारा करसोग बाजार व बस स्टैंड में लोगों को 500 मास्क बांटे गए। एनएसयूआई इकाई करसोग महाविद्यालय अध्यक्ष ऋत्विक शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा लोगों की सहूलियत व सुविधा को ध्यान में रखकर अब कोरोना कर्फ्यू में काफी छूट दे दी गई है। वहीं काफी समय बाद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल पड़ा है, लेकिन हम लोगों को अभी भी कोरोना को हल्के में नहीं लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में शनिवार को करसोग यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई इकाई करसोग द्वारा करसोग बाजार व बस स्टैंड में 500 मास्क बांटे गए। आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के द्वारा मास्क बांटे गए। ये मास्क बांटना हमने बर्ल से शुरू किया और यहाँ बस स्टैंड में आके ख़त्म हुआ। हमने कम से कम बर्ल से लेकर बस स्टैंड तक कोई 500 मास्क बांधे। हालांकि लोगों ने मास्क लगाए हुए थे, उसके बावजूद भी हमने उनको मास्क बांटे हैं और सभी लोगों को यही आग्रह किया है कि घरों से कम निकले और जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करें। यदि कोई बहुत जरूरी कारण है तभी बाजार आए, अन्यथा आप बाजार मत आए। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार।